क्लासेस तो यार अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि एक ऑनलाइन होगी और एक फिजिकल होगी, तो अभी पता कर लेंगे यार। ये तो मेरा भी मसला है ना, ये तो कसम से मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तो इसलिए ये इधर आया था कि मैं क्लासेस आज लूँगा, मैं घर से ही इस इरादे से निकला था, लेकिन अभी पता नहीं है कि क्या हो गया, किस वजह से ऑनलाइन हो गई। अभी तो रोज़ा भी ख़त्म हो गया ना, रमज़ान ख़त्म हो गया, गर्मी तो होगी, वो तो होगी, वो तो तकरीबन 3-4 महीने होगी ना गर्मी का मौसम है। चलो सीआर को बताएंगे। हाँ सीआर अभी तो नहीं आया हुआ, जब आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको बता देंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार ये ऑनलाइन तो नहीं होनी चाहिए। हाँ यही बात है, ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है हमारा और ये भी ऑनलाइन हो जाए। चलो चलते यार, इधर कोई चाय वगैरह पीते या जूस वगैरह। तो अच्छा, तो अभी हम इधर बैठ गए हैं क्योंकि क्लासेस का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी टाइम है तो मैं इससे बात करूंगा कि आप इधर क्यों आ गए, किस वजह से आ गए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ली और इंग्लिश डिपार्टमेंट में क्यों ली, तो ये आपको सब कुछ बता देगा इंशाल्लाह। तो भाईजान अभी मेरे बात आपने सुनी, वालेकुम सलाम, तो आप दोस्तों को बता दें ऑडियंस को कि वो मतलब वो भी समझ जाए ना इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपके गोल्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह बता दें। हाँ मैं तो बस यूनिवर्सिटी आया हूँ, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि हम बाई चांस आ गए हैं, लेकिन मैं बाई चॉइस आ गया हूँ, बाई चांस नहीं। अच्छा, बाई चॉइस आ गया, बाई चॉइस आ गया हूँ। अच्छा, तो इसके दो रीज़न है कि फर्स्ट रीज़न तो ये है कि यहाँ के जो फैकल्टी स्टाफ है और फिर इंग्लिश लिटरेचर वाला जो भी इंग्लिश है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं भागता था वो को एजुकेशन से। अच्छा, को एजुकेशन से भागता था, इसकी वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी आ गया। अच्छा, बिल्कुल यार, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो एस्पेक्ट्स थे जिस वजह से मैं आ गया, पहली जो थी उसके फैकल्टी की वजह से। अच्छा, और फिर या मैंने बहुत से यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने पूछा था। अच्छा, कि मैं इंग्लिश कहाँ से कर लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए। दूसरी बात ये कि मैं इंग्लिश के लिए बस मेरे लिए बेहतरीन बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी वो इंटरनेशनल इस्लामिक थी। अच्छा, दूसरी यहाँ जो ग्रूमिंग होता है ना दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ के जो और खूबसूरती ये है कि यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ना। हाँ, के साथ दूसरी बात ये है कि हर सूबे के हर इलाके के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं ना। हाँ, उनके साथ आपका रिलेशन सब कुछ, मतलब ग्रूमिंग बहुत अच्छी तरह होती है, मतलब बहुत फार इलाकों से आते हैं। हाँ, बहुत फार। दूसरी बात, और फॉरनर भी आते हैं इधर। हाँ ठीक है, और मैं मेरा जो गोल ये है कि मैं सीसीएस करके सीसीएस के लिए इसके लिए फिर मैंने वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश के लिए आते हैं तो उसकी सबसे पहले जो गोल होती है ना, जो असल स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये कॉमन है उन लोगों में कि उन लोगों के जो गोल्स है वो सीएसएस के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल, पाकिस्तान की खिदमत करना। बिल्कुल, और सिविल ब्यूरोक्रेट ऑफिसर बनना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा तो है ना वो स्कूल से मेरा एक शौक है कि मैं सीएसएस करूंगा, इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, फिर सीएसएस के लिए जो शॉर्ट टेस्ट वे है वो इंग्लिश बीएस इंग्लिश है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, और फिर मैंने इसके लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट को तो मतलब सेलेक्ट कर दिया। बिल्कुल, वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि यहाँ क्लासेस नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये तो नहीं हुआ है कि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, क्लासेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे ये मसला कभी कभी होता है ना, अभी जो अभी आज जो मसला है वो मसला नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए इसकी वजह से। हाँ, फर्स्ट डे भी है और दूसरा है कि स्टूडेंट्स भी नहीं है, जब स्टूडेंट्स नहीं होंगे, 3-4 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर तो मतलब इस तरह नहीं है कि वो टीचर फिर भी आएगा। हाँ बिल्कुल, और वो अगर ना भी आए तो वो हमें होमवर्क देता है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं छोड़ता है, लेकिन देता है, जरूर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो बहुत मुतासर हूं, बहुत मैंने बहुत कुछ सीखा इस 2-3 महीनों में। अच्छा, यूनिवर्सिटी से और डिपार्टमेंट जो है ना, वो बीबीए हो, लॉ हो, आईआर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे है और बहुत हार्डवर्कर है जो फैकल्टी स्टाफ है। हमारा जो मैंने देख लिया, हमारा जो स्टूडियो अगर देखा जाए बहुत एक्टिव है और टीचर्स भी बहुत एक्टिव है, मतलब खूब पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से पढ़ाई कर रहे हैं।
और दूसरा ये है ना कि वो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ देख ले, वो मैं उसका मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से काम लेते, प्रोफेसर से काम लेते, लेकिन मैंने यही देख लिया यहाँ पर कि वो टीचर जो है वो अस खुद स्टूडेंट से काम लेते बात है। और इस वजह से मैंने भी यही पसंद किया कि यार बीएस इंग्लिश जो है या इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो बेस्ट है। और वैसे ये सिर्फ सीएसएस के लिए बेस्ट नहीं है, ये और आपको मतलब ये एक क्या बता दूं कि ये बहुत वास्ट फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप अदर बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे बिजनेस रिलेटेड जो बुक्स होती है, लॉ रिलेटेड होती है, जो भी बुक्स है ना आप ये देख ले के, असल में ये पाकिस्तान में ज़्यादातर इंग्लिश जो है उसको वो मतलब प्रायोरिटी दी जाती है ना, और ये सरकारी जुबान भी है एक हवाले से। हाँ बिल्कुल, नेशनल भी है, इंटरनेशनल, नेशनल तो हम कहते कि उर्दू है ना। हाँ, लेकिन आजकल हमारे पाकिस्तान में अगर आप ऑफिसेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, कॉलेज जहाँ भी जाए, इंग्लिश इंग्लिश का ना बिल्कुल। दूसरी हर स्टूडेंट्स का एक गोल होता है ना। अच्छा, तो मैंने आपसे ये भी पूछना था कि मैं ख़ुद भी ट्रांसपोर्ट जो है यूनिवर्सिटी का उसमें आता जाता हूँ, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि इधर ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है या? हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद में सारी यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा है ना। हाँ, और बसेस भी ज़्यादा है ना, टाइमिंग वगैरह सारे इस्लामाबाद में जो है ना तो गाड़ियाँ उसमें ना वो पहुँचाते हैं। बिल्कुल, अगर पिंड की बात किया टेक्सला हर मतलब अच्छा टेक्सला तक भी जाते, टेक्सला तक भी जाते हैं ना, जिधर ट्रेन तक जाती है पिंड ये साइड को, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई फी वगैरह होता है? हाँ वो तो जब एडमिशन आप सेमेस्टर में करते हैं ना तो सिर्फ 7,000 रुपया वो काटते हैं ना, सिर्फ 7,000 पूरे मतलब पूरे सेमेस्टर में, और इतनी बड़ी फैसिलिटी हमें वो प्रोवाइड करते हैं ना। बस इस तरह है कि वो एक किस्म से फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट के आप देखिए खुद, मैं 11 से आता हूँ ना, तो अगर आप बाइक या वगैरह जाते हो तो 80-100 रुपया इस तरह लेते हैं। बिल्कुल, तकरीबन मैं एक दिन आया था, मुझसे बस छूट गई थी ना, तो मैं बाइकिया पर आया था तो तकरीबन मुझसे 150 रुपये लिया उधर से आने का। तो ये स्टूडेंट लाइफ भी है, स्टूडेंट लाइफ में उतने पैसे नहीं होते, और इस्लामाबाद भी है ना तो फिर मुश्किल होते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए तो बहुत बहुत मुश्किल होता है ना, ये ना ही ट्रांसपोर्ट का। लेकिन हम इधर इसलिए आए हुए हैं कि थोड़ी मतलब ग्रूमिंग हो जाए, ग्रूमिंग हो जाए। दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रूमिंग बहुत बहुत अच्छा होता है ना, दूसरी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन अगर आप किया जाए। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरी बात यह कि हर मतलब हर इलाके के स्टूडेंट, हर कल्चर के, एवरी कल्चर एंड एवरी रिलीजन, बहुत से रिलीजन के साथ अभी जो हम मिल गए, जो ईसाई था उसके साथ हम मिले, स्टूडेंट बहुत से कंट्रीज से आते हैं ना, तो बच्चे का ग्रूमिंग बहुत अच्छा होता है ना पढ़ाई के साथ साथ। तो माशाल्लाह, शुक्रिया भाई जान आपका बहुत बहुत कि आपने सारी डिटेल बता दी ऑडियंस को, तो इंशाल्लाह मजीद हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के हवाले से, यूनिवर्सिटी के बाहर जो इस्लामाबाद लाइफ होती है स्टूडेंट की, तो उन्हें इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो हमारे साथ रहिए, आज के लिए यही व्लॉग था, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह।